नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम सब ब्रह्मांड की सैर पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम लोग चलेंगे दिल्ली में स्थित नेहरू तारा मंडल, जो कि इंडिया गेट से थोड़ी ही दूर तीन मूर्ति चौक के पास है। नेहरू तारा मंडल वो जगह है जहाँ जाकर ब्रह्मांड, तारों और सितारों की दुनिया की खूब सारी जानकारी मिलती है। तो लो, अब हम आ गए हैं तीन मूर्ति चौराहे के पास और इस रास्ते से होते हुए यहाँ है नेहरू तारा मंडल। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद आप मेन गेट पर आते हैं। इस गेट पर ही शो की टाइमिंग लिखी है। चार शो होते हैं, दो शो हिंदी में और दो शो अंग्रेजी। गेट से अंदर जाने के लिए आपको आईडी दिखानी होगी। साथ में आए परिवार का कोई भी एक सदस्य के पास भी हो तो सबको प्रवेश करने दिया जाता है। तो लो, अब हम आ गए हैं नेहरू तारा मंडल के कैंपस में। दोस्तों, यही भारत का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 रखा हुआ है। इस SLV की लंबाई 22.7 मीटर और वजन 16.8 टन था और पहली बार 10 अगस्त 1971 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, इसे देखने के बाद आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। लेकिन टिकट काउंटर पर जाने से पहले थोड़ा तारा मंडल के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में लगभग 30 तारा मंडल हैं। देश का पहला तारा घर 1962 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसका नाम MP बिरला तारा घर है। दिल्ली के नेहरू तारा मंडल को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। इस तारा मंडल को बनाने की शुरुआत सन 1982 में हुई थी और सन 1984 में इसका पहला शो शुरू कर दिया गया था। पहले शो का नाम आवर कॉस्मिक हेरिटेज था। तो ये थी तारा मंडल के बारे में छोटी सी जानकारी। लेकिन दोस्तों, साथ में यह भी बता दूं कि प्लैनेटोरियम की कल्पना सबसे पहले आर्किमिडीज ने की थी। जी हाँ दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद अब हम लोग पहुंचते हैं टिकट काउंटर पर। और टिकट लेने के बाद चलते हैं यहाँ बनी इस गैलरी में। कितनी शानदार लग रही है ना? अरे ये क्या है, चलो पास जाकर देखते हैं। ओ, ये दूरबीन जैसी दिखने वाली चीज तो दूरबीन नहीं बल्कि एक प्रोजेक्टर है, जो कि सबसे पहले इस तारा मंडल में लगाया गया था। वैसे तो तारा मंडल के पास टेलीस्कोप भी है, साथ ही यहाँ कॉरिडोर में फोटो एग्जीबिशन के साथ कई अन्य चीजें भी देखने के लिए उपलब्ध हैं। आओ आगे चलकर देखते हैं और क्या क्या है यहाँ देखने के और जानने के लिए। यह भारतीय लोगों द्वारा ग्रह नक्षत्र की गणना और उसे समझने के लिए तैयार किए गए यंत्रों के मॉडल का सैंपल है। उसके ऊपर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री।
direct measurement of some salinity. ये एक वजन तोलने वाली मशीन है जो बताती है कि आपका वजन प्लैनेट पे कितना होगा। तारामंडल में देखने लायक सोयूज T10 का ओरिजिनल कैप्सूल भी है। यह वही कैप्सूल है जिसमें पहले भारतीय स्पेस यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस आए थे। ये कैप्सूल रूस ने भारत को गिफ्ट कर दिया था। यह तो किसी स्पेस यात्री का सूट है। चलो देखते हैं। अरे वाह, यह तो स्पेस यात्री के सूट जैसा ही है। आओ चलकर फोटो खिंचवाते हैं। इन सब को देखने के बाद चलते हैं स्काई थिएटर में। दोस्तों, यह है प्लैनेटोरियम का वह केंद्र जहां हमें सितारों की कहानियां और आकाशीय हलचलों को बयां करते ये शो एक खास प्रोजेक्टर के जरिए दिखाए जाते हैं। क्योंकि शो शुरू होने वाला है इसलिए लाइट्स ऑफ है। तो दोस्तों चलो देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्पेस की दुनिया की सैर? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि तारामंडल में एक रहस्यमय दुनिया की झलक दिखाई जाती है। हाँ, है ना कितना मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव भी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड्स, ये तो था दिल्ली के नेहरू तारामंडल की एक झलक। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड द जर्नी ऑफ प्लैनेट एट नेहरू तारामंडल विद मी। एंड फाइनली इट्स अ टाइम टू से गुड बाय। I request you, please subscribe my channel, like and share my videos. See you soon.
बाय बाय।